क्वेश्चन है कि एक ना डिस्क है वो ओमेगा नॉट के साथ रोटेट कर रही है, ये देखो ऐसे रोटेट कर रही है, ये आपका डायग्राम एस है, ठीक है, ओमेगा नॉट के साथ रोटेशन हो रहा है। हुआ क्या, रोटेट करते करते ये एंड देख रहे हो डिस्क का, इसका एक टुकड़ा पॉइंट मास टूट गया, और कहाँ टूटा, बिल्कुल यहाँ पे आके टूटा, तो ये कहाँ जाएगा, टेंजेंशियली उड़ेगा, कहाँ पे, ऊपर, इसकी टेंजेंट वेलोसिटी कहाँ पर, ऐसे घूम रहे, इसका टेंजेंट ये रहा तो ऊपर उड़ेगा। पहला पार्ट है, कितनी हाइट अटेन करेगा हवा में, ये बताओ, आसान है क्योंकि इसमें करना क्या है, वो ओमेगा नॉट के साथ घूम रहा है, तो पॉइंट मास जब उड़ेगा तो डिस्क की वेलोसिटी लेके उड़ेगा, और डिस्क की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है सर्कुलर मोशन में, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर इंटू ओमेगा नॉट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है। हवा में चला गया, कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, अंडर ग्रेविटी आ गया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो गई, तो तुम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू इंटू ए इंटू एस लगा लेना, एक्सलेशन माइनस जी, यहाँ से हाइट आ जाएगी, पहला आंसर। चलो ये तो पहला आंसर है कितना ऊपर गया। दूसरा पार्ट है इसी में, जो रिमेनिंग डिस्क बची, ये पार्ट तो टूट गया गया, अब ये डिस्क तो अभी भी घूम रही है, इसका आय कम हो गया, घट गया, क्योंकि इसका कुछ टुकड़ा निकल गया, मास घट गया, आय घट गया, ओमेगा बढ़ गया, क्योंकि अपने आप ही घूमी जा रही है, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। नया ओमेगा क्या है ये बताओ, या नया एंगुलर मोमेंटम क्या है पहले ये बताओ, रिमेनिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ये बताओ। हमने जाके कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगाया नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम जो पहले था बिना टूटे और टूटने के बाद विल रिमेन सेम। बिना टूटे एंगुलर मोमेंटम क्या था, डिस्क का आई इंटू डिस्क का ओमेगा नॉट, तो ये तो क्लियर हो गया। अब मान लो जब टूट गया, अब आपके पास इसके दो टुकड़े हो गए, एक तो रिमेनिंग डिस्क हो गई और एक पॉइंट मास हो गया, वो जो पॉइंट मास है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, एम वी आर, पॉइंट मासेस का क्या होता है एम वी आर, तो वेलोसिटी क्या होती है आर ओमेगा नॉट, और जो बची हुई डिस्क है उसका तो मुझे निकालना है आई रिमेनिंग, तो मैंने इसको दो हिस्से कर लिए, टोटल तो ये रहा, इसमें तो कुछ टूटा नहीं है, टूटने के बाद इसका अलग निकाल दिया पॉइंट मास का, बची हुई डिस्क का रिमेनिंग कर दिया, पॉइंट मास का एम वी आर, पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा दिया, वी आर ओमेगा नॉट लगा दिया, इस टर्म को इधर ले आए, रिमेनिंग का एल ऑप्शन मार्क करने का पेपर में आएगा। रिमेनिंग कैसे निकलता समझ में आ रहा है, आए के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि आए तुम कहोगे नया आए निकाल लेते हैं, नए आए में एक्सिस का झंझट है, पॉइंट मासेस को एक्सिस में क्यों लेके जाओगे, ऐसे ही सॉल्व कर दो ना, एल इज अ कॉन्स्टेंट, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये टेक्निक भी ठीक है। अब इसी के अंदर एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है एक डिस्क रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो देखो ना, फोटो में पता नहीं लगता, फोटो में लगता है फिर से सेम प्रॉब्लम है, अब डिस्क ऐसे घूम रही है ना, डिस्क इस बार हॉरिजॉन्टल ऐसे घूम रही है, और कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, आपको आपको कैसे पता सर ऐसे घूम रही है, तो जब मैंने क्वेश्चन पे देखा एक पॉइंट मास एम है मूव क्लॉकवाइज विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और सडनली ये जो पॉइंट मास नहीं है ये मैन है बेसिकली, कोई मैन है वो चल रहा है, अब मैन ऐसे नहीं चल सकता, डिस्क ऐसे कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो डिस्क ऐसे घूम रही है, ये मैन सर्कमफेरेंस पे उल्टा चल रहा है, डिस्क एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, मैन कॉर्नर पे वी वेलोसिटी के साथ क्लॉकवाइज चल रहा है। आपको ये बताना है कि जब वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहे थे, शुरू में ये सिचुएशन है कि डिस्क एंटी क्लॉकवाइज है, मैन उल्टा चल रहा है विद लीनियर वेलोसिटी वी, मैन रुक गया, डिस्क तो नहीं रुकी, तो डिस्क मैन जो है वो डिस्क के साथ घूमना शुरू हो गया, डिस्क का नया ओमेगा क्या होगा ये बताओ, जब मैन चल रहा है तो उसका ओमेगा ओमेगा नॉट है डिस्क का, मैन रुक गया ओमेगा क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। तो सबसे पहले मैंने तो कुछ नहीं किया, मतलब तो टच भी नहीं किया, तो एंगुलर मोमेंटम तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, बिकॉज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, सिस्टम पे कोई बाहर से कुछ लगा तो रहा नहीं, तो इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम करेंगे। डिस्क एंगुलर मोमेंटम कैसे जनरेट कर, कितना जनरेट कर रही है, आई ओमेगा नॉट, ये डिस्क का है, पर जो मैन है वो उल्टा चल रहा है, और मैन का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास कंसिडर करते हुए एम वी आर, लेकिन विद नेगेटिव साइन। लोग पूछते हैं नेगेटिव क्यों, तो लोग बोलते हैं कि हाँ क्योंकि ऑपोजिट है, इसलिए लॉजिक समझो, अगर ये डिस्क है और डिस्क एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, इसका एल कहाँ होगा, चार फिंगर लास्ट टाइम सिखाया था, एल कहाँ पर है, बाहर बाहर है, मैन कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, एल कहाँ पर है, नीचे,
अब एक वेक्टर है ऊपर, एक वेक्टर है नीचे, नेट वेक्टर क्या होगा? बड़े में से छोटा माइनस, इसलिए माइनस किया क्योंकि एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर ऊपर आएगा तो एक वेक्टर नीचे आएगा, दोनों का नेट वेक्टर लेना पड़ेगा जो कि सब्ट्रैक्शन के साथ आएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या आ गया, नेट एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब मैन रुक गया तो ठीक है ना, फिर आई प्लस एम आर स्क्वायर विद कॉमन वेलोसिटी ओमेगा के साथ उसने घूमना शुरू कर दिया। अब डिस्क और मैन तो एक ही बात हो गई, डिस्क और मैन मूव विद कॉमन वेलोसिटी ओमेगा, तो निकाल लेना कॉमन वेलोसिटी, ऑप्शन मार्क कर लेना जब करना होगा। इंटरनल इंटरनल हमने नहीं किया, इट्स अ सिस्टम, डिस्क एंड मैन इज अ सिस्टम, वापस में जो मर्जी लगाएं, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, एक्सटर्नल जीरो है, इंटरनल जो मर्जी लगाए, नहीं एक्सेलरेटेड सिस्टम ही नहीं है। अच्छा वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप नहीं, नहीं है, नॉट कंसिडर नहीं किया। फिर अगर कंसिडर भी करते हैं मैं, अब तुम अब है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम ये कहोगे सर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो मैन गिर जाएगा, चलेगा भी कैसे? अच्छा फ्रिक्शन नहीं है तो डिस्क स्लिप हो जाएगी, कंसिडर नहीं किया, लिया नहीं क्योंकि यहाँ एंगुलर मोमेंटम सिखाना है। वैसे जो सूडो फोर्सेस हैं अगर एक्सटर्नल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करें हम, है ना, तो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगते नहीं है। जब सूडो फोर्सेस, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, हाँ आपने क्वेश्चन दिया था, वो एक डाउट था, एक कार के अंदर एक टेबल लगा हुआ है और दो मासेस हैं और कोलिजन हो रही है, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा? और कार एक्सेलरेट कर रही है तो दोनों के ऊपर सूडो फोर्सेस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगेगा, तो उसका आंसर नहीं आएगा। तो उसी तरीके से जब सूडो फोर्सेस कंसिडर करते हैं तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगता ही नहीं है इसमें, तो इसमें नॉट टू बी कंसिडर्ड है। अब जैसे इस केस में एक और क्वेश्चन है, पहले ये भी देख लेते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। एक मिनट, अभी शीट में आने वाला है, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, पहले वो भी करते हैं उसके बाद बताता हूँ कि क्या करना है आपको। देखो ऐसे तो बोट वाली प्रॉब्लम के अंदर सेम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे आप, एक मैन बोट पे चल रहा है, बोट पीछे आ गई, बोट तो रेस्ट पे थी, हाँ तो बोट तो रेस्ट पे थी ना, उसने वेलोसिटी v1 एक्वायर कर ली, तो ये ना इंस्टेंट पे है, वो चला और बोट गई, तो v1 है v2 है, तो ये इंस्टेंटेनियस ही चल रहा है, तो ऐसा नहीं चल रहा ये खड़ा था और इस तरीके से, अब मतलब इतनी फ्रिक्शन तो मैं ले ही लूँगा, अगर वो खड़ा भी है, वो कह रहा है वो खड़ा है, कि वो गिरने वाला है नहीं, गिर जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो उसको रोकना तो पड़ेगा, और बेटर है इसे पॉइंट मास ले लो, फिर तुम कुछ ना लो, कोई मैन ना लो, बस पॉइंट मास रुक गया, चिपका हुआ है और चिपक गया, अब ये ना पूछो कैसे चिपक गया, अब ऐसे तो अर्थ भी श्रिंक हो गई, कैसे श्रिंक हो गई, तो ये चीज़ें थोड़ी सी निगलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना जो अभी करवाई मैंने, ये ना बेसिक प्रॉब्लम्स थी। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे आती हैं, आज हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो एंगुलर मोमेंटम निकालने की आती हैं, कुछ प्रॉब्लम है नॉट फॉर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, मोमेंटम की इतना ही आएगा। अब क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं, इसका पहला क्वेश्चन ट्राई करना प्लीज़।